स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया, उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में नेहरू ने विकास की शुरुआत की, उन्होंने कई संस्थाएं कई खड़ी की हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। वहीं समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, मंत्री भंवर सिंह भाटी, ममता भूपेश, सुभाष गर्ग, टीकाराम जूली, प्रसादी लाल मीणा, हरीश चौधरी समेत कई विधायक भी शामिल हुए। देशभर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी के तहत राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम गहलोत ने तिरंगा फहराया। वहीं सीएम गहलोत परेड का निरीक्षण करते नजर आए। इस अवसर पर सरकार की गाइडलाइन की पालना की गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन हमें देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग, समर्पण और उनकी शहादत की याद दिलाता है। हम सब उनके इस बलिदान के प्रति नमस्तक हैं। गहलोत ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र लगातार सशक्त और समृद्ध हुआ। ये स्वस्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषण की हमारी इस महान नेताओं की सोच का परिणाम है। भाई बहनों, मैं साथी भाई बच्चों, आज स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस आजादी के लिए हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर इन प्रकार से त्याग की, बलिदान की कुर्बानी थी। हमारे सेनानी थे, उस वक्त के चार तैयार उनका कसर नहीं छोड़ी। आगे खाई, गोलियां खाई, जेलों बंद रहे, तब जाके याद रही। प्रधानमंत्री पद पर रहते इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। और वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी का जो सपना देखा था वो आज कामयाब रहा है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। विद्यालय तुम जानते हैं कि आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा होगी देश दुनिया के साथ में। बच्चे हमारे स्कूल से ही अंग्रेजी सीखना पढ़ना सीखे हिंदी के साथ साथ में, और उसकी इतना वेलकम हुआ कि इतनी मांग आने लगी है हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी, अन्य लोगों द्वारा भी, हमारे यहाँ भी ये स्कूल खुलना चाहिए। इस रूप में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट सब जगह पर है। निश्चिंत रहे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का जो राजीव गांधी का सपना था 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के अंदर, तब जाके चुनाव समय पर होते हैं पंचायतों के भी स्थानीय निकायों को भी। वो जमाना हमने देखा है 25-25 साधे चुनाव नहीं होते थे पंचायतों के और नगर निकायों के। अब क्या सरकार बदलते रहो तो चुनाव टाइम पे होंगे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज देश के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र बचाने की है। हम सब संकल्प लें कि लोकतंत्र कायम रहे। आईटी का युग आ गया है, गवर्नेंस आईटी भी इसमें जल्द लग गई है, दुनिया भर से जुड़ गए हैं हर नागरिक। इस सपना के अंदर राजीव गांधी ने प्रणाम से रहते हुए छोटी का सेंचुरी का तब तो लोग समझे थे। आज जब क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तब समझ में आया कि वास्तव में उच्चाटी का तो लंबा इतिहास बना। कई उतार चढ़ाव आए, आज की चुनौती हमारे सामने है वो है आज भी
बड़ी चुनौती है डेमोक्रेसी बचाने की, लोकतंत्र बचेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएमआर में कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी।